दोस्तों अभी हमारे गेम के अंदर आपको काफी सारे क्रिमिनल बंडल देखने को मिल जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि OB42 अपडेट के बाद आप लोगों को एक और न्यू क्रिमिनल बंडल देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होने वाला है नियॉन गॉस क्रिमिनल। तो यार ये क्रिमिनल बंडल देखने में कैसा होने वाला है और ये गेम के अंदर आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। और साथ ही में बात करेंगे दिवाली इवेंट के बारे में, बात करेंगे विंटरलैंड इवेंट के बारे में, बात करेंगे अपकमिंग बंडल्स, इमोट्स और भी काफी सारे आइटम्स का रिव्यू इस वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे, पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ना ऑल पे सेट करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों OB42 का अपडेट इस बार आप लोगों को दो डेट्स पे देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पर 31 अक्टूबर और दूसरा होने वाला है आप लोगों के लिए 1 नवंबर के दिन। दोस्तों 31 अक्टूबर के दिन आप लोगों को OB42 का अपडेट देखने को मिलेगा। पर दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर फ्री फायर मैक्स से फ्री फायर इंडिया के अंदर शिफ्ट होने जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को 1 नवंबर का वेट करना पड़ेगा। 1 नवंबर के दिन दोस्तों आप लोगों को फ्री फायर मैक्स के अंदर एक छोटा सा अपडेट देखने को मिलेगा जिसपे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो सीधा आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर पहुंच जाएंगे और आप लोग अपने फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर इंडिया में शिफ्ट कर लेंगे। जो आप लोगों के लिए मेन अपडेट होगा OB42 का वो आप लोगों को 31 अक्टूबर के दिन देखने को मिलेगा, पर फ्री फायर इंडिया का जो अपडेट देखने को मिलेगा वो आप लोगों को 1 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने डाटा को बचा कर रखना क्योंकि दोस्तों इस बार आप लोगों को दो दो अपडेट देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये न्यूज कैसी लगी, ठीक है। OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर कुल मिला के आप लोगों को 3 मेगा बिग इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा आप लोगों के लिए दिवाली इवेंट 2023, जो कि गरीना फीफर इस बार दो नाम से सेलिब्रेट करने वाला है। पहला होने वाला आप लोगों के लिए दिवाली इवेंट 2023 और दूसरा होने वाला लाइट फेस्ट 2023, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग OB42 अपडेट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको जो लॉबी देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए दिवाली इवेंट पर ही बेस होने वाली, ठीक है। और दिवाली इवेंट स्टार्ट होगा 1 नवंबर के दिन से और ये पूरा नवंबर मंथ तक चलने वाला, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस लॉबी के अंदर आप लोग काफी सारी चीजें अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जो कि अच्छा खासा साइन है इंडिया के लिए। इसके अंदर आप लोगों को दो बंडल्स देखने को मिलेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का, ठीक है। इन दोनों बंडल में से एक बंडल आपको फ्री देखने को मिलेगा और एक आप लोगों को वेब इवेंट पे देखने को मिलेगा। साथ ही में आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं आप लोगों को दिया देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में रंगोली भी देखने को मिल जाएगी, जो कि दिवाली के टाइम पे आप लोगों को हर एक घर के अंदर दिए भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही में रंगोली भी देखने को मिल जाती है। साथ ही में आप लोग पीछे की तरफ देख सकते हैं हमारे जो फ्री फायर के कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर दिवाली इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही में आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर की दीवार के ऊपर आप लोगों को रावण देखने को मिल जाएगा। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर की दीवार के ऊपर रावण का चित्र क्यों बनाया गया गरीना फ्री फायर की तरफ से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को लॉबी देखने को मिल जाएगी OB42 अपडेट के बाद दिवाली इवेंट के टाइम पर। और साथ ही में आप लोगों को एयरप्लेन का डिजाइन भी चेंज देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो आपको दिवाली थीम पर ही बेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर गरीना फीफर ने यहाँ पर येलो कलर का यूज किया और साथ ही में इसके पंखों पर आप लोगों को दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा हैप्पी दिवाली, ठीक है। और गरीना फीफर ने यार ये प्लेन काफी अच्छा खासा डिजाइन किया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते कि आप लोगों को न्यू एयरप्लेन का डिजाइन कैसा लग रहा है, जो कि आप लोगों को दिवाली इवेंट के टाइम पर देखने को मिल जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि गरीना फीफर ने सीरियसली यार काफी अच्छा खासा डिजाइन किया, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। और भी दोस्तों काफी सारी चीजें आप लोगों को चेंज देखने को मिल जाएगी इन गेम के अंदर, जैसे आप लोगों के लिए वेंडिंग मशीन होगी, एयर ड्रॉप हो गए, इन दोनों का रिव्यू अभी तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को पूरा दिवाली इवेंट का एक पूरा वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर बंडल्स वगैरह के रिव्यू भी आएंगे और भी काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इतना नहीं, विंटर फेस्ट का इवेंट भी आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों हमारा सेकंड मेगा बिग इवेंट होगा और ये इवेंट आप लोगों को दिसंबर मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। जब दोस्तों विंटर फेस्ट इवेंट आएगा तो उस टाइम भी गरीना फीफर आप लोगों के लोडिंग स्क्रीन से लेके लॉबी सब कुछ चेंज करने वाली है। सबसे पहले आप लोग देख सकते लॉबी आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पे दोस्तों आप लोगों को आइस एज का पूरा गरीना फीफर माहौल करने वाली है और साथ ही में आप लोगों को लोडिंग स्क्रीन भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप लोगों को हमारा न्यू कैरेक्टर इग्निस देखने को मिल जाएगा और इसका आप लोगों को एक नॉर्मल लॉबी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों आप लोगों के लिए जो एयरप्लेन का डिजाइन होगा ना वो कुछ इस तरीके से होने वाला है और इसके ऊपर भी गरीना फीफर ने काफी अच्छा खासा काम किया, तो ये एयरप्लेन का डिजाइन भी काफी अच्छा खासा लग रहा है। इसको देखने के बाद दोस्तों सच में आप लोगों को यहाँ पर ठंडी का एहसास होने वाला है, क्योंकि गरीना फीफर मैप के अंदर भी बर्फ पड़ाने वाला है और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल आइस एज का माहौल देखने को मिल जाएगा। और मैप के अंदर दोस्तों जितनी भी जगह पे आप लोगों को पानी देखने को मिलता है ना वो सभी जगह गरीना फीफर जमाने वाली है, तो बिल्कुल आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी टेलिंग गरीना फीफर ने इस बार डिजाइन किया ना विंटर इवेंट से रिलेटेड, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो विंटर इवेंट होगा ना वो काफी लाजवाब गरीना फीफर यहाँ पर डिजाइन कर रही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर किस इवेंट के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, दिवाली इवेंट के लिए या फिर विंटर फीस्ट इवेंट के लिए, ठीक है। और तीसरा जो आप लोगों को मेगा बिग इवेंट देखने को मिलेगा वो होने वाला हमारा नियॉन गॉस क्रिमिनल का। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि OB42 अपडेट के ऊपर आपको कौन कौन से आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं OB42
OB42 अपडेट के बाद ये सभी इमोट्स आप लोगों को हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे और काफी अच्छे खासे इमोट्स आप लोगों को इस बार देखने को मिल जाएंगे। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके आप लोग जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में आप लोगों को एनिमेशन भी देखने को मिल जाएंगे। ये तीनों एनिमेशन आप लोगों को हमारे गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से एक एनिमेशन आप लोगों को फ्री फायर एक्स लैम्बोर्गिनी थीम पर बेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को फ्रोजन थीम पर बेस देखने को मिल जाएगा और साथ ही में एक आप लोगों को लुक चेंजर इमोट भी देखने को मिलने वाला इस बार OB42 अपडेट के बाद। और इतना नहीं, OB42 अपडेट के बाद आप लोगों को काफी सारी व्हीकल स्किन्स भी देखने को मिल जाएंगे। फ्री फायर एक्स लैम्बोर्गिनी थीम पर बेस आप लोगों को यहां पे 3 से 4 कार के स्किन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक स्किन आपको फ्री देखने को मिलेगा और बाकी आपको पेड देखने को मिलेंगे। और काफी सारे लोग मुझसे यहां पर ईवो कार के बारे में भी पूछ रहे थे, क्या भाई गेम के अंदर ईवो कार आएगी या फिर नहीं। तो भाई मुझे कोई आइडिया नहीं गेम के अंदर आपको ईवो कार देखने को मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों जितना मैंने अभी तक यहां पर माइनिंग करके देखा है, जितनी मैंने लीक्स अपडेट्स निकाली है, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता आपको गेम के अंदर कोई भी ईवो कार देखने को मिलेगी, ठीक है। पर आप लोगों को फ्री फायर एक्स लैम्बोर्गिनी थीम पर बेस कुछ कार के स्किन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे कुछ ग्लोवल के स्किन, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये सभी ग्लोवल के स्किन आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसमें से एक ग्लोवल का स्किन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारी ईवो वुडपैकर थीम पर बेस, ठीक है। और ईवो वुडपैकर भी आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगी OB42 अपडेट के बाद, जिसका आप लोग यहां पर 3D लुक देख सकते हैं। ये वाली ईवो वुडपैकर आपको गेम के अंदर देखने को मिलने वाली, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग न्यू ईवो वुडपैकर को निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे। और साथ ही में आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर कुछ वेपन स्किन्स भी देखने को मिलेंगे, जिनके आप लोग यहां पर PNG दे सकते हैं। ये सभी वेपन स्किन्स आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को यहां पर एक फीस्ट का स्किन भी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए विंटर थीम पर बेस होने वाला है। और यहां पर आपको एक वो वुडपैकर देखने को मिल जाएगी और भी काफी सारे आप लोगों को यहां पर गन स्किन्स देखने को मिल जाएंगे। ये सभी गन स्किन्स आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भी काफी सारे यार मेरे पास यहाँ पर PNGs पड़े हुए अलग अलग इवेंट्स के, जो कि मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर जरूर दिखाऊंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को बिना ऑल पे सेट करके रखना। अब बात कर रहे थे OB42 के ऊपर आने वाले सभी बंडल्स के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये सभी बंडल्स आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये वो सभी बंडल्स होने वाले जो आप लोगों को OB42 अपडेट के अंदर किसी न किसी इवेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप लोगों के लिए हमारा वेब इवेंट हो, या फिर वो फ्री बंडल हो, या फिर वो कोई स्पेशल बंडल हो, या फिर वो कोई भी इवेंट हो। उसके अंदर जो भी आपको बंडल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वो सभी ये बंडल्स होने वाले और ये बंडल्स आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों मुझे पता है कि इस पिक्चर के अंदर आप लोगों ने जिस बंडल को सबसे ज्यादा नोटिस किया होगा वो ये वाला बंडल है। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये न्यू क्रिमिनल बंडल है क्या? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये न्यू क्रिमिनल बंडल है। और इस क्रिमिनल बंडल का नाम है नियॉन घोस्ट क्रिमिनल, जो कि दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्रोजन फीस्ट इवेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फ्रोजन का जब इवेंट आएगा गेम के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को न्यू ईयर के टाइम पर ही देखने को मिलेगा, उस टाइम ही दोस्तों गेम के अंदर आप लोगों को इसका पूरा एक मेगा बिग इवेंट देखने को मिलेगा, जिसकी थीम पर बेस आप लोगों को लॉबी भी देखने को मिलेगी, लोडिंग स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। साथ ही में आप लोगों को इन गेम के अंदर भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे एयर ड्रॉप के ऊपर चेंज देखने को मिलेगा, आपको वेंडिंग मशीन के ऊपर चेंज देखने को मिलेगा, और इसका आप लोग यहां पर एयरप्लेन का डिजाइन भी देख सकते हैं, जो कि आप लोग को बिल्कुल घोस्ट थीम पर बेस देखने को मिलने वाला है। और एयरप्लेन का डिजाइन भी गरीना फिफा ने काफी अच्छा खासा डिजाइन किया। जितने भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एयरप्लेन दिखाए ना, ये सभी एयरप्लेन इस बार गरीना फिफा ने बहुत अच्छे से डिजाइन करे यार, मुझे सारे एयरप्लेन का डिजाइन काफी अच्छा लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन से एयरप्लेन का डिजाइन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, दिवाली इवेंट का, विंटर फेस्ट इवेंट का, या फिर हमारे नियॉन घोस्ट क्रिमिनल इवेंट का, ठीक है। और ये जो क्रिमिनल बंडल आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा ग्रीन टाइप का देखने को मिलने वाला है, और इसका आप लोग फर्स्ट लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये बंडल होने वाला है, ठीक है। वैसे मेरे पास इस बंडल का पूरा रिव्यू है, पर दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा वेट करो, कि दोस्तों ये एक सिलेक्टेड सीरीज का बंडल है, और अगर मैं यहां पर आप लोगों को रिव्यू देने बैठ गया ना, तो मुझे लगता है कि स्ट्राइक का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग आने वाली वीडियोस का वेट करो, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को उस बंडल का रिव्यू करके दिखाऊंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को बिना ऑल पे सेट करके रखना, ठीक है। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, पर आने वाली वीडियोस का वेट करो, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को धीरे धीरे करके सब कुछ मैं बता दूंगा। होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को बिना ऑल पे सेट करें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।